नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स लेकर आते हैं जी। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट आपके लिए शेयर कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, ठीक है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से नई भर्तियों का आज नए साल पर, न्यू ईयर पर धमाका हुआ है। 10 भर्तियों को पोर्टल से वापस भी लिया गया, HKRN की ताज़ा खबर है। ठीक है जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपको 2023 सन की बहुत बहुत मुबारकें। ठीक है, आपके लिए अच्छा है। तो इसी साथ हमारा भी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा नए साल पर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल से करवाइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए और भी बढ़कर इस पर आपके लिए और भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड टाइम टू टाइम करवाते रहें, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। ठीक है जी, कौन सी भर्तियों की डिटेल कह रहा हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो कि शीतकालीन सत्र पर आपको पता है भी पहले डिस्कस हुई थी, उस टाइम भी इन्होंने एक टॉपिक उठाया था भी। आप पूरी पूरी डिटेल्स शेयर कीजिए, किस बच्चे के लिए कितने नंबर आएंगे, और यहाँ PGT TGT के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने शेयर कर दिया है। ठीक है, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है 40 मार्क्स रहेंगे, 1,80,000 से 2.5 लाख तक 30 मार्क्स, 2.5 लाख से 4 लाख तक 20 मार्क्स, और 4 लाख से 6 लाख तक 10 मार्क्स वेटेज आपकी रहेगी। और एज वाइज भी इन्होंने क्राइटेरिया, ये आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ये क्राइटेरिया शेयर कर दिया गया। ये सारे का सारा क्राइटेरिया आपको हमने बताया, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है जी, जो आपको हमने इंफॉर्मेशन दी है ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर हमने प्रोवाइड करवाया, ये डाटा आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर भी थोड़ा टाइम पा के मिल जाएगा। ठीक है जी, और इसमें 150 मार्क्स का ये क्राइटेरिया PGT TGT टीचर्स के लिए है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए जो मेन इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, आप जैसे गूगल पर सर्च करोगे HKRN, तो हरियाणा कौशल रोजगार की ये ऑफिशियली साइट मिल जाएगी आपको, पता हो ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद जॉब एडवर्टीजमेंट पर जाकर यहाँ पर आपको 12-14 पोस्टें मिल जाएंगी, जैसे पैरा टीचर एसोसिएट और पैरा टीचिंग एसोसिएट, पैरा टीचिंग एसोसिएट TGT हिंदी की, ये TGT साइंस की, और ये TGT सोशल की, और TGT मैथमेटिक्स की, TGT संस्कृत संस्कृत की, TGT इंग्लिश मैथ, PGT मैथ मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT पॉलिटिक्स साइंस पॉलिटिकल साइंस, PGT हिस्ट्री, PGT हिंदी, PGT बायोलॉजी, PGT कॉमर्स, और PGT संस्कृत। ये उनके लिए क्राइटेरिया बता दिया गया इन्होंने पहले। ठीक है, भी किस कैंडिडेट्स को पहले क्राइटेरिया पर, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने परसेंटेज बता दी है, जैसे 18 से 24 साल एज है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 24 से 30 साल 10 मार्क्स, और 30 से 36 साल तो 15 मार्क्स, 36 से 42 साल है तो 10 मार्क्स, और 42 ईयर्स एज है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास एलिजिबिलिटी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET का आपके पास क्वालिफाइंग है तो उसके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स वेटेज, अगर कोई एजुकेशन है कोई आपकी PGT या TGT के रिलेटेड तो 10 मार्क्स उसके मिलेंगे। ठीक है जी, रेजिडेंसी आप हरियाणा की हो तो 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसके बाद बेनिफिशरी MMAPY के आप बेनिफिशरी हो तो 50 मार्क्स आपको उसके भी मिलेंगे। ये कौन सी पोस्टें हैं, ये सारी की सारी टीचिंग लाइन की पोस्ट है, जो कि मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, कल भी वीडियो बनाई थी भी, 5 जनवरी तक आपको सारी की सारी पोस्टों की डिटेल्स मिल जाएगी। ये 5 जनवरी, 1 जनवरी को मिल गई है, 25 पोस्टों की यहाँ पर डिटेल डाली गई थी, 25 पोस्टों की करीबन। ठीक है, इसमें से 11 पोस्टों की डिटेल अभी फिलहाल हटा ली गई है, जो कि अब जो पोस्टें हैं, जैसे एक की मैं डिटेल बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो भी किसके लिए कितनी पोस्टें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो पैरा टीचर, पैरा टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट है TGT सोशल स्टडीज़ की, जिसमें BA मांगी हुई है, 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा मांगा हुआ है, BA या फिर BCom आपकी 50% से मांगी है, 1 साल की आपकी बैचलर एजुकेशन यानी कि BEd मांगी है, या फिर BA BCom आपकी 45% से और 1 साल की बैचलर BEd मांगी हुई है। ठीक है, और आपकी साथ ही NCTE से आपका रेगुलेशन में
टाइम टू टाइम आपका जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस ये मांगा हुआ है। ये सारी क्वालिफिकेशंस अलग अलग आपको फारी की फारी सोशल, जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, ये इसमें आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन जैसे कि बीए मांगी हुई है, ठीक है। कम से कम दो सब्जेक्ट तो आपके इन 6 में से होने ही जरूरी हैं, ये चीज़ जरूर नोटिस रखिएगा, ठीक है। उसके बाद टीचिंग हरियाणा एच टेट का सर्टिफिकेट होना या एस टेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और 10वीं के साथ 12वीं में, 10वीं और 12वीं में आपकी हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है सब्जेक्ट, और आपकी MBA या MA के साथ में भी एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश संस्कृत का होना जरूरी है। और यहाँ पर बता दें, एज पर निगम रूल है जो कि आपको क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया वगैरह जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, ये क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वेटेज मिलेगी। और ये 31 जनवरी दिसंबर से शुरू हुए हैं कल शाम से, बट ये आज के ही हैं, और ये 11 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये 31 को रात को कह सकते हो, क्योंकि 25 पोस्टें ऐड की थी डिटेल में, और 25 में से 11 हटाकर सिर्फ टीचिंग की पोस्टें रहने दी हैं, और 11 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी डिटेल बताई थी, भी 5 जनवरी तक आपको सारे का सारा डाटा आ जाएगा, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, पूरी डिटेल। और सबसे पहले आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई हो जाए, कंफर्म हो जाए, पेमेंट हो जाए, और उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हो तो अपना यहाँ पर एप्लीकेशन चेक कर सकते हो, भी आपका सबमिट सही ढंग से हुआ है या नहीं, ये देख सकते हो। PPP से आप अपना मेंबर डिस्प्ले कर सकते हो OTP करके, और उसके बाद अपना नेक्स्ट भर सकते हो। इसी तरह ये TGT साइंस का अलग अलग क्राइटेरिया बताया हुआ है, फिर TGT हिंदी का, मैथमेटिक्स का और संस्कृत का, उसके बाद इंग्लिश TGT का, यहाँ तक TGT की पोस्टें हैं। 7वीं से PGT शुरू होती है, मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री हिंदी, PGT बायोलॉजी, PGT कॉमर्स, PGT संस्कृत। इसमें संस्कृत में आपकी एच टेट भी मांगी हुई है, MA भी संस्कृत में मांगी हुई है आचार्य में, ठीक है। या संस्कृत हो या आचार्य कोर्स किया हो 50% से, ठीक है जी। या और प्लस टू में आपकी 10वीं प्लस टू में आपके हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है, सभी में यही मांगा हुआ है जी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी और या संस्कृत में 10वीं प्लस टू BA BA MA में एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत में से होना जरूरी है, ठीक है। सबकी डेट 11 जनवरी लास्ट है जी, ठीक है। वैसे 1 जनवरी आज से ही लेटेस्ट शुरू हुई है ये पोस्टें सारी फिलअप होनी, और जल्द से जल्द अपनी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अपनी क्वालिफिकेशन पहले, क्वालिफिकेशन जरूर क्राइटेरिया देख लीजिएगा, और उससे पहले ये वेटेज जरूर देखिएगा, क्योंकि 150 मार्क्स में से ही आपकी पूरी की पूरी कह लें मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्ट होते हो या नहीं होते वो अलग बात की बात है, ये क्राइटेरिया पहले जरूर देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, लेटेस्ट जस्ट अभी आई है आपके साथ शेयर कर दी है, अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और सभी को जाते जाते फिर नए साल की मुबारकें हों। और अगर आप हमें भी गिफ्ट देना चाहते हो तो कृपया करके इस चैनल को जितना पब्लिक हो सकता है करो, क्योंकि आप पब्लिक करोगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी उत्साह मिलेगा, आपके लिए और भी न्यू अपडेट्स लेके आएंगे टाइम टू टाइम, आपके लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेके आएंगे, ठीक है। बस उसमें आपका सहयोग चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।